नमस्कार साथी, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और फिर वही चैप्टर ज्यामिति है ना, आपको भी लगने लग गया होगा कि बस ये इति रेवा खंडे है। तो ज्यामिति का ये अंतिम पार्ट लेकर हम आपके साथ में तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 81 to 90 हमने कोशिश करी थी कि 50 क्वेश्चन में ज्यामिति को खत्म कर दें, पर संभव नहीं होता है। चीजें जो हम पढ़ाते हैं उनके क्वेश्चन अगर नहीं बनते हैं, उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, तो हमें चीजें वो उतनी सारी चीजें अच्छी नहीं। इसलिए ज्यामिति का ये सर्कल है, तो सर्कल के ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हैं, उन वीडियो को आप देखिएगा पूरी तरह से। सर्कल की सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जो है, वृत्त क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या कहलाती है, व्यास क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है, वृत्त खंड कहते हैं, वो सारी चीजें हमने बना रखी है उसके बारे में। और वृत्त की कुछ थ्योरम्स है, उन थ्योरम को, तो वृत्त की परिभाषा है, वृत्त की कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्म है उनको पढ़िएगा, वृत्त की प्रमेय है उनको पढ़िएगा। उन वीडियो को देखने के बाद ही आप 81 टू 90 क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है? तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद 10 क्वेश्चन को करिए, कमेंट में अपने नंबर लिखिए। अब सॉल्यूशन समझ, ठीक है? सॉल्यूशन शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है और उस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर हमेशा एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ये एक सर्कल, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, उस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर। अब जीवा की लंबाई अगर कितने सेंटीमीटर है, ये दे दिया उसने, एक जीवा की लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये माना कि थोड़ी सी नीचे बना देते हैं, ये 30 सेंटीमीटर, ये भी कोई 30 सेंटीमीटर जीवा है, ठीक है? जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है? और इसकी जीवा की केंद्र से तो और त्रिज्या कितनी है 17 सेंटीमीटर, यानी यहीं पर कहीं सेंटर होगा और सेंटर मतलब ये त्रिज्या होगी, ठीक होगी केंद्र। तो जीवा की केंद्र से दूरी, तो जीवा से केंद्र की दूरी मतलब ये, और दूरी का मतलब होता है वही लंब 90 डिग्री का, ठीक? तो अब आपको क्या करना है, ये निकालना है, ये निकालना। अब वृत्त की एक त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई कितनी है पूरी 30 सेंटीमीटर, ये पूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो आपको ये निकालना है, वृत्त की थ्योरम पढ़ी होगी, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये भाई साहब यहां पर लंब डल रहा है, दूरी मतलब लंब, ध्यान रखिएगा दूरी मतलब शॉर्ट है। तो वृत्त के केंद्र से जो लंब डाला जाता है वही उस जीवा की दूरी भी कहलाती है और वही उसका लंब भी होता है और वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये पूरी अगर 30 है तो कितनी हो जाएगी 15, ठीक? ये पूरी 30 है तो ये कितनी हो गई 15, और ये 15 हो गई तो बाय पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए, 17 का वर्ग 289, 15 का वर्ग 225, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 8 का वर्ग 64, तो ये कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अब आप सोचोगे सर मैं सूत्र लिखा होगा, कोई सूत्र नहीं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर होता है। तो ये 15 का वर्ग 225, तो 289 होने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 64 जोड़ना पड़ेगा, तो 64 का वर्ग कितना होता है 8, ये हो गया 17। तो इसका उत्तर कितना हो गया, कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, लो साहब। अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, चलो चित्रों को बिगाड़ते हैं, नहीं करना आपने, ये त्रिज्या कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। अरे मेरे को तो 25 लिखते ही मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब होता है त्रिभुज की तीन भुजाएं जिनके संपूर्ण त्रिभुज बनते हैं, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा का, तो 25 तो मुझे पता है 24 तो हो गई होगी, तो यहां पर लिखा हुआ तथा वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक? तो क्या कह रहा है वो, तो जीवा की लंबाई याद करी, ओ जो कौन सी बड़ी बात, ये कर लेंगे जीवा की लंबाई। फिर से क्या बन रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी 7 सेंटीमीटर, तो ये 25 है, 25 का कितना होता है 625, तो यहां कितना लिखूं मैं, कितना लिखूं, वैसे डायरेक्ट आपको यहां पर पता चल रहा है ये 25 है ये 7 है तो ये 24 होना ही है, कितना ये 24, और ये 24 है तो ये भी 24 होगा, क्योंकि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटते, तो ये 24 तो ये 24 24 तो ना कितना हो गया 48, ठीक?
तो ये उत्तर कितना आ गया 48। कहाँ है 48 दिख रहा ये 48। समझ पाए दोनों क्वेश्चन? कहीं कोई दिक्कत आई इसमें? कुछ नहीं करना। अब ये कह सकते हो सर के 25 का वर्ग, अब मैं आपको नहीं समझ में आता था, 25 का वर्ग बराबर होगा 7 का वर्ग प्लस यहाँ पे लिख लो, ये क्या लिख लो, पी लिख लो, पी बी का वर्ग, 25 का वर्ग 625, 7 का वर्ग 49, ये कितना बचेगा 576, 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। अरे डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको इतनी अच्छी तरह से पढ़ा रखे हैं। देखिए गणित एक ऐसी चीज है जो सीक्वेंस से चलती है, आपने अगर पिछले के वीडियो भी पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है, ठीक है। चलिए तो कितना सेंटीमीटर हो गया 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों को रब भी कर दे, अपने को सॉल्यूशन में अच्छी सहूलियत मिलेगी, आनंद आ रहा है, परम आनंद आना चाहिए, आनंद नहीं परम आनंद है ना, अब हम आनंद की स्थिति से बाहर निकल गए, कौन सा आनंद आएगा, परम आनंद, चरम आनंद, ठीक है। आकृति में ओ व्रत का केंद्र है, ये ओ व्रत का केंद्र है, ओटीलम, चित्र बनाने की जरूरत नहीं, चित्र तो बनने पड़े साहब, ओटीलम है बीसी पर, ये ओ पी, ये ओपी लम है बीसी पर, तथा ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये ओपी बराबर कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो एसी की लंबाई क्या है, एसी मतलब ये लंबाई निकालना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैसे किया होगा आपने इस सवाल को, मैं तो डायरेक्ट यहां पे यूं करके उत्तर बता रहा हूं, टक टक उत्तर, ध्यान रखिएगा, ये है व्रत का केंद्र, ये बीसी है जीवा, है ना जीवा, तो व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को संधिभाजित करता है, तो ये दोनों भी बराबर होगी, ये व्रत का केंद्र है तो यहां से यहां तक भी एक त्रिज्या होगी, तो ये भी त्रिज्या, त्रिज्या होगी त्रिज्या। और आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने देखा होगा है ये 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 इसके मध्य बिंदु से मिलाने वाली एक रेखा, इसके भी मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, ये रेखा ए बी सी, ठीक है। तो ए बी का मध्य बिंदु अगर पी हो और ए सी का मध्य बिंदु क्यू हो, तो वो इस प्रकार से विभाजित करे कि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो, तो आपको पता है ये भुजा और ये भुजा दोनों अगर समांतर हो तो ये भुजा इस भुजा की आधी होती है, कितनी होती है आधी होती है, यानी ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये कितने सेंटीमीटर होगी 10 सेंटीमीटर। थेल्स प्रमेय में पढ़ा था आपने, अरे थेल्स प्रमेय त्रिभुज में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये त्रिभुज बनी तो रहा है, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, यहां पर ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो कितना हो गया इसका अनुपात और इसका अनुपात, माना कि ये 4 सेंटीमीटर, 4/4 एक हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, 5/5 एक, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये OP इन दोनों का अनुपात। क्या पढ़ा था आपने वहां पे कि किसी त्रिभुज में अगर ये इसका मध्य बिंदु हो और ये इसका मध्य बिंदु हो तो क्या होता है, ये भुजाएं समान अनुपात में विभक्त करती है, और ये अगर इसके समांतर है तो ये भुजा इस भुजा की आधी होती है, या फिर ये भुजा इस भुजा की दोगुनी होती है, तो ये 5 है, ये कितनी होगी 10। ये कहां पढ़ा था आपने, थेल्स प्रमेय में पढ़ा था। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, बिल्कुल देखोगे देखते ही गोली मारने की इच्छा होती है इनके सवाल की, ये उत्तर इसका बी, आया समझ में, ठीक है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, देखिए आपको ये सारी चीजें मैंने बोला कि इसका दुगना होगा साहब, ये थेल्स प्रमेय के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं, वहां पे जाके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, आकृति में पीक्यू वृत्त, क्योंकि आप सोचोगे अगर मैं यहां पे सारी चीजें अगर फिर बता दूं तो इसका मतलब होता है वीडियो लंबा होता जाएगा, बोरिंग होता जाएगा साहब, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को अपने को ध्यान रखना है, दोनों ही ज्यादा चाहिए, ठीक। आकृति में पीक्यू वृत्त का व्यास है, व्यास मतलब होता है ये केंद्र हो गया, ठीक है, तथा पी आर बराबर आर क्यू, अरे ये तो हो गई साहब, ये पी आर और ये आर क्यू दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक कोई बात नहीं, हो गया तो कोण आर पी क्यू कितना होगा, अरे आर पी क्यू कितना होगा, आर क्यू पी सर, आर क्यू पी कितना होगा बताइए, पूछा ना इसने, आकृति में पी क्यू वृत्त का व्यास है, ये पी क्यू क्या है, वृत्त का व्यास है, और पी आर बराबर आर क्यू, यानी ये पी आर और आर क्यू दोनों बराबर है। तो पहली बात तो बहुत अच्छी सी चीज में बता रहा हूं, अगर ये कोण
है ना, ये कोण यहां पर 180 डिग्री है, तो यहां पर कितना होगा 90 डिग्री। क्या होता है वृत्त, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, पढ़ा ना आपने। अरे ये प्रभु मेरा, ये व्यास हो गया, अर्धवृत्त हो गया। व्यास के परितः अगर किसी वृत्त को टुकड़ा किया जाए तो अर्धवृत्त होता है, और अर्धवृत्त से कहीं पर भी बिंदु कोण बनाया जाए तो यहां पर 90 डिग्री होता है। तो कहीं भी बनाते, भले टेढ़ा भी बनाते तो भी 90 डिग्री, पर उसने टेढ़ा बनाते तो फिर ये भुजाएं लंबी छोटी हो जाती, पर यहां पर इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। और आपको पता है किसी त्रिभुज में, बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये त्रिभुज, ये कोई भी त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब होता है ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना होगा, ये भी 90 होगा, यानी इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये 90 होगा, ये दोनों 90 होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तो ये भी 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का, कोण RQP बराबर 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है। तो पुरानी सारी थ्योरम्स भी काम आएगी यहां, अब आप सोचोगे वो थ्योरम नहीं आएगी काम, तो ये तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका भी हो गया क्वेश्चन नंबर 84, समझ पाए। फिर से यहां पर 180 डिग्री का कोण है तो यहां पे कितना बनेगा 90, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये लिख दिया, ये 90। अब ये भुजा और ये भुजा उसमें बराबर दे रखी है तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, ये 90 हो गया तो दोनों मिलकर कितने होंगे 90, और दोनों मिलकर 90 और दोनों बराबर है तो ये तभी हो सकता है जब दोनों 45-45 के हो। हरे नमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, आकृति में कोण BAC बराबर 55 डिग्री, ये BAC मतलब ये कितना है 55 डिग्री, ये कितना होगा 55 डिग्री। तो O वृत्त का केंद्र है, ये O वृत्त का केंद्र है, तो ये कितना होगा, ये यहां पर बना हुआ साहब, ये देखो मैं बता रहा हूं, ये वृत्त की एक जीवा है, वृत्त की जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर कोई कोण बनता है जैसे कि बन गया, ठीक, और वृत्त के केंद्र पर बनता है कोण, माना कि ये केंद्र पर बन गया, तो वृत्त के किसी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का हमेशा डबल होता है, डबल होता है, डबल होता है, यानी ये थीटा होता है तो ये 2θ होगा, ये जीवा है ना, BC जीवा द्वारा वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु पर, अगर ये बिंदु यूं भी होता टेढ़ा होता, मेढ़ा होता, बल नहीं, तो यहां पर बना कोण, यहां पर बने कोण का हमेशा आधा होता है या फिर ये दुगना होता है, तो ये साहब भाई साहब 55 डिग्री थी, ये कितना होगा 110 डिग्री, कहां 110 डिग्री, ये रहा उत्तर। ये सब थ्योरम्स हैं, वृत्त की थ्योरम हमने पढ़ा रखी है, उसी के आधार पर क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की किसी के जीवा के द्वारा वृत्त की पर केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बना कोण का हमेशा क्या होता है, दुगना, इसी जीवा के द्वारा, अलग जीवा नहीं, इसी जीवा के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 86। चलिए 86 क्या, आकृति में कोण ACB, कहां है ACB, ACB कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, कोण AOB का मान देते हैं, AOB का, अरे साहब ऊपर वाले में इसमें फर्क इतना ही है कि उसमें चित्र थोड़ा अलग बनाया था, इसमें भी चित्र वही हो रहा है। देखिए इस इन दो बिंदुओं से क्या जाती है, जीवा जाती है, और इस जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण और इसी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, तो ये 40 से ये कितना होगा 80, इसका उत्तर कितना होगा 80 डिग्री। सारे बना रखिए सारे क्वेश्चन, बड़े सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, आकृति में कोण CDA बराबर 25 डिग्री, देखो ये क्या है CDA, ये कितना डिग्री है 25 डिग्री, लिखू ये कितना डिग्री CDA, देखो बीच जो रहता है वो क्या रहता है आपका कोण रहता है, मतलब ये अगर ये डी है तो डी बिंदु पे बनाइए, कहां से बनेगा CDA, यानी यहां पे 25 डिग्री, ठीक। और कोण BD बराबर 110 डिग्री, यानी कितना होगा 110 डिग्री, ठीक। तो कोण BAD कितना होगा, BAD ये पूछ रहा है साहब भाई साहब, अरे आप भी बताते हैं यूं करके, ये 110 डिग्री तो ये रेखा सीधी बिल्कुल और इसको ये रेखा काट रही है, तो दोनों रेखाएं से जो कोण बनता है, यानी ये और ये काट रही है, तो इस पूरे से कितना कोण बनता है 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है
तो ये 110, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, हो गया। और ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, शीर्षाभिमुख के कारण। अरे होगा कि नहीं होगा शीर्ष, तो देखो ये हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 25 डिग्री, तो 70 और 25 कितना होता है, कितना होता है 95, ठीक। और 95 में क्या जोड़ा जाए कि 180 हो जाए, तो बोलेंगे तो ये कोण C का मान कितना हो जाएगा 85 डिग्री। अरे समझ पा रहे हो, फिर से बताओ, ये चित्र बड़ा बना के बताता हूँ, मजा आएगा आपको बड़ा बना के, छोटे में दिक्कत आ रही है, तो ये है, ये इतना बड़ा चित्र, ठीक है चलेगा। चलिए ये यहां पर गोवृत का केंद्र है ना, और इसी से यहां पर ये बना हुआ है, ठीक। उसके बाद यहां से एक कोण मिला, ये रहा, इससे ये कोण बना, ठीक। और इसी से यहां पर एक कोण बना, यानी एक ही जीवा के द्वारा, ध्यान से सुन लेना, व्रत में ये तो अलग बना रखा है, अगर इसमें यहीं पे कहीं पे बना ले तो, यानी एक ही जीवा के द्वारा कोण यहां पे बन गया और एक ही जीवा के द्वारा कोण बन गया, यानी एक ही जीवा के द्वारा व्रत की परिधि पर बने कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ये सूत्र होता है। क्या होता है, व्रत की किसी भी एक जीवा के द्वारा व्रत की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं पर, दो बिंदु बनेगा, दोनों बिंदुओं पर बने कोण हमेशा क्या होते हैं समान, जिसको बोलते हैं एक ही व्रतखंड के कोण, एक ही व्रतखंड के कोण हमेशा क्या होते हैं समान होते हैं। तो ये कोण और ये कोण समान होगा, ठीक। यहां कितना डिग्री दे रखा है 25 डिग्री, ये 25 डिग्री, ठीक। और ये कितना दे रखा है 110 डिग्री, ये 110 डिग्री, तो ये कितना होगा 70 डिग्री, क्योंकि इस रेखा पर ये कोण दोनों मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये 70 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 70 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। और ये 70 25, तो ये कितना होगा 85 डिग्री, ये 85 डिग्री क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों पर 85 डिग्री होता है। ये 85, तो ये भी कितना होगा 85 डिग्री, क्यों, क्योंकि व्रत के एक जीवा के द्वारा, ये जीवा वाली व्यास है, और व्यास भी तो जीवा होती है नहीं, तो ये व्यास है, इस व्यास के द्वारा व्रत के इस कोणे पर कोण बना हुआ, इस कोणे पर कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, व्रत के एक ही खंड द्वारा कोण बने कोण हमेशा समान होते हैं, ये हमने बता रखा है। तो इसका मतलब होता है ये कितना उत्तर डिग्री है इसका 85 डिग्री, मतलब BAD यहां पे कितना हो गया 85 डिग्री, ये कोण आपको निकालना है, ठीक है, हो गया, आ रहा सब, ठीक है, बहुत बढ़िया, झूठी हामद करना सब। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, आकृति AO में वृत्त का केंद्र OB बराबर 25 डिग्री, लो साहब ये OB कितना हो गया 25 डिग्री। अरे मेरे को तो सवाल का उत्तर आ गया समझ में, अरे AB बराबर कितना 24 डिग्री, अभी तो आया, तो ये साफ हो नहीं रहा। और ट्रिपलेट है साहब, ट्रिपलेट। और एक और चीज है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और, हाँ अभी सोचो को सर ये कैसे कर दिया आपने, देखो मैं बताता हूँ, व्रत के केंद्र से, व्रत के एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, और ये स्पर्श रेखा व्रत के केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा ध्यान रखना, व्रत की स्पर्श रेखा जहां पर स्पर्श करती है व्रत के केंद्र से, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, कितना कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कितना 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का, अगर 90 डिग्री का बन गया तो ये कर्ण हो गया, तो 25 का वर्ग 24 का वर्ग 7 का वर्ग, अगर इनको देखो तो 25 का वर्ग बराबर 625, 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा 625, यानी ये कितनी होगी 7, यानी ये कितना उत्तर है 7 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत, कौन सा क्वेश्चन था 88, 7 होगी कि 8 होगी, 7 होगी कि 8 होगी, 24 का कितना होता है 576, और मैं 7 का 49 जोड़ूंगा तो कितना हो रहा है, ठीक 7, 8 होगी ना, ठीक है, हाँ हमें किसी से इशारा मिल रहा है नहीं 8 होगी, अरे नहीं, कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 8 होगी तो 8 के कितना होता है 64, अब 576 में अगर मैं 64 जोड़ूं तो कितना हो रहा है, ये तो ज्यादा, तो ये सब आपका संभव नहीं, ठीक हो गया। तो इसका उत्तर कितना है 7 सेंटीमीटर। अब अगला, दी गई आकृति में पीटी, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन, क्लास 10वीं में आपको रटा होगा, सर ने लिखा होगा, 5 बार लिख के जाना घर से परीक्षा में, यही बार आ PA into PB बराबर PT, ध्यान रखिएगा आप ऐसे मत याद करना PA into PB बराबर PT स्क्वायर, आप यूं बोलेंगे कि एक स्पर्श रेखा का वर्ग
ये मतलब बाहर के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा पीटी, पीटी एक स्पर्श रेखा हो गई, और उसके बाद एक छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी बिंदुओं पर छेद करती है। तो पी ए इंटू पी बी ऐसा होता है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, ये ऐसा होता है। ठीक, परीक्षा में हो सकता है ये ए बिंदु यहां ना देखे वहां दे दे, बी बिंदु इधर दे दे, तो कंफ्यूज मत हो जाना, पी ए इंटू पी बी मत लिख देना। जैसे आपको तो हमेशा याद रखना स्पर्श रेखा का वर्ग पी से यहां तक के वर्ग में और पी से यहां तक का वर्ग, यानी यहां का वर्ग, यहां का गुणा और यहां का गुणा, दोनों के गुणनफल का गुणा, जो दोनों का गुणा होता है दूरी का गुणा, वो पीटी के वर्ग के गुणा का। इसमें कुछ नहीं बदल रखा, इस सवाल में कुछ नहीं बदल रखा, पर भविष्य में कभी बदले तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पे पीटी कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इसमें वैल्यू में वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू वैसी वैसी इसमें कोई चेंजेस नहीं, ध्यान रखिएगा। तो पीटी बराबर 15 और पीए कितना है नहीं दे रखा है, पीए ये निकालना है आपको, ये ए बी निकालना है। ए बी कब निकलेगी, जब पूरी पीबी निकल जाएगी उसमें से क्या घटा लेंगे, पीए घटा लेंगे, तो आपकी निकल जाएगी क्या, निकल जाएगी ए बी निकल जाएगी, ए बी का मान निकाल, तो याद करते हैं पीए, पीए तो दे नहीं रखा है इसने, कोई बात नहीं पीए निकाल लेते हैं, है ना। तो पीए इंटू पीबी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर गुणा 20 बराबर पीटी कितना है 15, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225, ये हो गया पीए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर। तो पीए बराबर कितना हो जाएगा 225 बटे 20, मतलब 10 बार भाग देंगे तो 22.5 होगा, 22.5 का आधा कितना होता है 11.5 नहीं भाई 11.25, 22.5 का आधा, तो 22 का आधा 11.5 का आधा 11.25, तो ये कितनी हो गई, ये आपका पीए कितना हो गया 11.25, और ये पूरी कितनी है पीबी, ये पी से लगाकर बी तक कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये पीबी बराबर जो होगी, पीबी दे रखा है तो आपको क्या निकालना है ए बी निकालना है, ए बी मतलब ये निकालना है, तो इस पूरी में से ये घटा लोगे तो निकल जाएगी, यानी क्या होगा ए बी बराबर हो जाएगी पीबी में से पीए घटा दो, और पीबी कितना है 20, 20 में से 11.25 घटा दो तो कितना होगा 8.75, मतलब ये होता है। ठीक आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन सिंपल आकृति में, ये यही बता देता हूं, पर इसमें आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, बड़ा मजा आया होगा इस क्वेश्चन। आकृति में ओ ये वृत्त का केंद्र है, अगर ओ वृत्त का केंद्र यहां पर 90 डिग्री कौन बना, और यहां पर 90 डिग्री कौन बना, ठीक क्या पूछ रहे हो, कौन बीओए निकालिए, बीओए निकालना। तो एक थोड़ी देर के लिए मैं अगर इसको यहां पर खींचू तो यहां पर 90 डिग्री कौन बना, बना ये 90 डिग्री कौन बना, ये कितना बना 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री कौन बना, ये कितना बना भाई, ये यहां पर 90 डिग्री का कौन बना, तो ये यहां पर कितना बना, चलिए तो यहां पर इसको भले दो भागों में बांटो, नहीं बांटो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो देखो चतुर्भुज बन रहा है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कौन, ओहो हो गया काम, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो ये हो गया 90 180 180 और 60 कितना होता है 240, 240 360 में घटाया कितना बचा 120, ये हो गया 120 डिग्री, यानी यहां पे जो बना कोण कितना है 120 डिग्री, समझ पाए, ठीक कोशिश करी थी। वैसे व्रत में क्वेश्चंस और बनते हैं, जब जरूरत पड़ेगी कहीं किसी एग्जाम में और हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको और बताएंगे। तो इस प्रकार से इस कारवा को उन्होंने खत्म किया, ठीक है, थोड़ा सा एक 2 मिनट और लेऊंगा मैं, इसको रब कर देता हूं मैं। कोशिश हमने करी है कि व्रत के ऊपर 10 क्वेश्चन दिए हैं अपने, व्रत की जो प्रमेय, पहली बात तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में लगभग 99% व्रत की जो थ्योरम होती है उन्हीं थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, केवल थ्योरम के ऊपर, कहीं कुछ भी नहीं करना, व्रत के किसके ऊपर पूछ लिए जाते हैं थ्योरम के ऊपर, तो केवल व्रत की जो थ्योरम है उनको आप पढ़िएगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन लगभग बेस क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम अगर बात करें तो ज्यामिति की बात करें तो ज्योमेट्री जो है ये ज्योमेट्री 21 लेक्चर बोल सकते हैं इसको, 21 लेक्चर में खत्म हुई है।
ध्यान रखिएगा 21 लेक्चर का कितना समय होगा, मैं एक बार काउंट करके आपको बताऊंगा। इतने घंटे की वीडियो हम यहाँ पे बना चुके हैं आपको। कोशिश करिए आपको ज्यादा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए लगभग अच्छे से अच्छे क्वालिटी चीजों को हमने मेंटेन करने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपको लगता होगा कहीं पर भी आपका समय वेस्ट हो रहा है तो आप मुझे बताइए। ज्योमेट्री को हमने चार भागों में बटा था, बिंदु, रेखा, वक्र और कोण, ठीक। उसके बाद त्रिभुज लिया, फिर लिया चतुर्भुज और उसके बाद लिया वृत्त। तो इनकी सारी थ्योरी को हमने 12 वीडियो में कवर किया। कितने वीडियो में कवर किया? 12 वीडियो। और उसके बाद इन सब के ऊपर हमने 90 क्वेश्चंस बनाए। कितने बनाए? 90 प्रश्न बनाए, 90 सवाल बनाए। और 90 सवाल के लिए हमने लिए फिर कितने? 9 वीडियो, क्योंकि हर वीडियो में, क्योंकि इस बोर्ड पे हम लिखते हैं तो 10 क्वेश्चन से ज्यादा लिख नहीं पाते हैं, और 10 क्वेश्चन के लिए हमने 9 लेक्चर लिए। तो इस प्रकार से आपके पास 21 टोटल लेक्चर कंप्लीट हो गए। हमने पूरी कोशिश करी है कि ज्यामिति को जो है वो आपको अच्छी तरह से समझा सके, पढ़ा सके और बता सके, ठीक है। तो ये 21 लेक्चर में हमने पूरी कोशिश करी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन भी बहुत अच्छा चैप्टर है और मेंसुरेशन में भी आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये सारे जो 21 लेक्चर हैं आपको समझ में आएंगे। इस 21वें लेक्चर में आप पढ़ने के बाद आप कमेंट बॉक्स में प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के विनती निवेदन है कि हाँ हमें ज्यामिति अच्छी तरह से समझ में आई। अगर नहीं आई हो तो ये बता देना कि उसके हमें ज्यामिति अच्छी तरह से समझ में नहीं आई। आई तो भी लिखना, नहीं आई तो भी लिखना, क्योंकि हमें पता तो लगे कि हमें कमी है। अगर कमी है तो हम आगे सुधारेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद यहां से आपको पढ़ाने का एक ही मकसद है कि हम जो पढ़ाए वो आप एग्जाम में लें और एग्जाम से आप क्वालिफाई हो जाएं, अपने जीवन में सफल हो जाएं, अपना जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन है, उसको अच्छी तरह से जी पाए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। ओके, थैंक्स सो मच इस ज्यामिति के 21 चैप्टर में हमारा साथ देने के लिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।